discuss trachea and its branches. Trachea, also called windpipe, क्योंकि एयर पास होती है तो ट्रेकिया। अब अपन ये देखते हैं कि ट्रेकिया एक्चुअल में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये देखते हैं कि ये जो इसकी पोजीशन होती है, इसका ओरिएंटेशन होता है ऑब्लिक होता है, अपनी नेक रीजन में इसका ओरिएंटेशन ऑब्लिक होता है। जैसे ये ट्रेकिया फोरेक्स है तो इसकी पोजीशन इस टाइप से होगी और इसकी ब्रांचेज होंगी इस टाइप से। ट्रेकिया है पोजीशन वाइज देखते हैं तो ऑब्लिक होता है। सेकेंड वन इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्रेकिया सिक्स सेंटीमीटर होता है। ट्रेकिया की लेंथ 6 सेंटीमीटर का होता है, विंड पाइप काफ़ी बड़ी ट्यूब है। थर्ड वन ये इनिशिएट, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन एक्चुअली 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा C6। गर्दन में अपन देखते हैं तो इसका ओरिजिन कहाँ पर है? यहाँ होगी एक्चुअल में 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा ये C6। और ये जो इसका टर्मिनेशन, ये टर्मिनेशन है एक्चुअल में ट्रेकिया, तो ये टर्मिनेशन होता है T6 पर और ये बाइफर्केट होता है T5 पर। T5 मीन्स थोरैक्स, तो ओरिजिन C6 एंड इसका एंड होता है T6 थोरैसिक 6 पर एंड बाइफर्केशन, बाइफर्केशन होता है T5। ओके, ये थोरैसिक वर्टेब्रा हो गई है, ये वाली T5 है, ये वाली T6 है। अब इस ट्रेकिया को अपन देखें तो इसकी जो वॉल है, हिस्टोलॉजी ऑफ द ट्रेकिया, हिस्टोलॉजी ऑफ द ट्रेकिया, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए जैसे अपन देखते हैं, मान लो ये अपना ट्रेकिया है, ये इसके ल्यूमन, इसकी बॉल है, दिस वन इज द बॉल, ल्यूमन ऑफ द ट्रेकिया, यहां से एयर जाती, एयर स्पेस है, इससे होके एयर पास होगी। इसकी जो वॉल होती है, इस वॉल में सी से देखिए इस तरह की, इसमें सी से कार्टिलेज होती है और इन कार्टिलेज इस तरह का जो नंबर ऑफ द कार्टिलेज है, वो नंबर ऑफ द कार्टिलेज इनका देखिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की, ट्रेकियल वॉल में ये ट्रेकियल वॉल है, ये अपनी ट्रेकियल रिंग और इन्हीं को बोलते हैं, ट्रेकिया रिंग बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज, ये अलग टाइप ऑफ द कार्टिलेज प्रेजेंट इन द ट्रेकिया रिंग। तो ट्रेकिया रिंग किसकी बनी है? हाइलिन कार्टिलेज की, और इनका नंबर नियर अबाउट 16 to 20 होता है। 16 to 20 हाइलिन और ट्रेकियल कार्टिलेज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ट्रेकिया। अब ये जो डायग्राम है ये देखिए, इसका पोस्टीरियर साइड है ये, तो पोस्टीरियर साइड में एब्सेंट होती है, तो इन इनका जो शेप है, शेप ऑफ द ट्रेकिया रिंग इज द सी शेप, सी शेप होता है। सी शेप क्यों है? क्योंकि ये पोस्टीरियर एब्सेंट है, ये क्वेश्चन आता है पोस्टीरियर एब्सेंट। अब इसके पीछे की साइड में देखिए, यदि अपन इसको लेटरल व्यू में देखते हैं, मींस ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया की ऊपर या लैरिंग्स होगा, ये गलेट है और ये ओपन होती है इसमें ईसोफेगस में, दिस वन इज द ट्रेकिया। अब इस ट्रेकिया की वॉल में देखिए, यहां पर ये एब्सेंट होगी, मींस इस तरह से सी जैसी कार्टिलेज है,
तो ये पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड में एब्सेंट है। अब अपन यहाँ से फूड लेते हैं, ये फूड पार्टिकल ईसोफेगस में गया है। तो ईसोफेगस में फूड पार्टिकल जब जाएगा तो पेरिस्टाल्सिस होगी, पेरिस्टाल्सिस से ये ईसोफेगस इस तरह से डायलेट होगी। तो डायलेशन से ये जो स्पेस खुलेगा तो इन इधर रिंग एब्सेंट है तो इधर ऑक्यूपाई कर लेगा एरिया, मींस हेल्प इन डिग्लूटेशन। तो ट्रेकिया रिंग का बेसिक फंक्शन क्या है? फंक्शन है इसकी वॉल को कोलैप्स होने से रोकना, मींस ये जो फंक्शन अपन देखें तो फंक्शन क्या है इनका, प्रीवेंट कोलैप्स और स्पिन वॉल ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया की वॉल को पिचकने से रोकना। एक काम किसका है? ट्रेकिया रिंग का। नंबर कितना है? 16 to 20। बनी किसकी है? थायलिन कार्टिलेज की। अब इस ट्रेकिया की जो इनर मेम्ब्रेन की बात करें, ल्यूमन, यानी इसकी ल्यूमन में ये जो मेम्ब्रेन है अंदर, ल्यूमन, ल्यूमन के अंदर ये मेम्ब्रेन है एपिथेलियल, दिस वन इज द ट्रेकियल एपिथेलियल, इस पे भी क्वेश्चन आता। तो ये जो ट्रैकियल एपिथेलियम, ये ट्रैकियल एपिथेलियम एक्चुअल में देखिए क्या है, इसमें सेल का जो टाइप है वो इस टाइप की होती है। ये लॉन्ग कॉलमनर सेल, लॉन्ग कॉलमनर सेल, लॉन्ग कॉलमनर सेल, और इन पर लॉन्ग कॉलमनर सेल्स पर ये पाए जाते हैं सीलिया, तो इसको बोलते हैं सीलिएट लॉन्ग कॉलमनर सेल। दूसरी सेल शॉर्ट कॉलमनर सेल्स पाई जाती है, शॉर्ट कॉलमनर सेल और लॉन्ग कॉलमनर सेल दोनों प्रेजेंट होते हैं बेसिमेंट मेम्ब्रेन बीएम, एक ही लेयर पर प्रेजेंट है बीएम, दिस वन इज द बीएम। तो यहां पे देखने में क्या हो रहा है, लॉन्ग कॉलमनर एंड शॉर्ट कॉलमनर सेल दोनों प्रेजेंट है एक ही मेम्ब्रेन पे, तो ये किसकी तरह दिखती है, मोर देन वन लेयर, बट है नहीं, है तो इनकी सिंगल लेयर की, इसलिए इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पीएससीसी। शॉर्ट में याद रखने के लिए बोला पीएससीसी। पीएससीसी मींस स्यूडो, पी मींस स्यूडो, स्यूडो का मतलब है नॉट ट्रू, स्यूडो, एस स्ट्रेटिफाइड मींस देखने में तो ऐसा लगता है कि सेल्स की एक से ज्यादा लेयर है, जब एक से ज्यादा लेयर होती है स्तरित, स्ट्रेटिफाइड कहते हैं उसको, तो यहाँ पे स्तरित ट्रू वाला या फॉल्स वाला, फॉल्स वाला दिखने में तो लगता है कि मोर देन वन लेयर है बट एक्चुअल में नहीं है, इसलिए टर्म जोड़ा गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, शॉर्ट में पीएस। अब इन में सेल्स पे क्या पाए जाते हैं, सिलिया, तो इसको सिलिएटेड कॉल काम हो गया, इसको अपन याद रखने के लिए क्या बोलेंगे, पीएससीसी। तो पीएससीसी में फिर क्वेश्चन आता है इसके जो सिलिया होती है, ये सिलिया ऑलवेज मूव्स आउटसाइड अपवर्ड, कैसे अपवर्ड कैसे दिखे, यहां पर इसमें सिलिया पाए जा रहे हैं। अब म्यूकस इसमें आया क्योंकि इसके ऊपर लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर फेरिंग्स है, तो इस पैसेज में एयर जानी चाहिए, तो अब यहां का जो म्यूकस है ये सिलिया अपवर्ड मूव करते रहते हैं, जैसे ये सेल है कॉलमनर सेल्स है और इसके सिलिया अपवर्ड मूव करेंगे तो इस म्यूकस को किधर पुश किया जाएगा, आउटसाइड में, जैसे अपन को कुछ गले में खराश होती है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, रुकावट आ गया, किसमें, लेरिंग्स में और ट्रेकिया, तो ऐसे में म्यूकस को बाहर धकेला जाता है धीरे धीरे किसके थ्रू, सिलेरी मूवमेंट से, तो सिलिया ऑलवेज मूव आउटसाइड। तो इस मेम्ब्रेन को अपन याद रखें क्या नाम देंगे, पीएससीसी
pseudo stratified columnar ciliate. Is it clear? Trachea. आजकल अपन देखते हैं कभी कभी ट्रेकियोक्टोमी करते हैं. ट्रेकिया एक्चुअल में देखिए अपन महसूस कर सकते हैं, पालपेट कर सकते हैं. देखिए ये अपनी क्लेविकल है, क्लेविकल का एंड दोनों ये कॉलर बोन, क्लेविकल के बीच में आप देखेंगे यह नॉच है, एक्सटर्नल है तो सुप्रा एक्सटर्नल नॉच कहते हैं. इस नॉच में थोड़ा सा दबा के देखो, दबा के देख रहे हो, देखो खुद ही देखो महसूस होगा. बीच में ये देखो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जैसे, और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर है लेरिंग्स, एडम्स एप्पल महसूस होता है. ये जो ट्रेकिया है तो ट्रेकिया की पोजीशन कैसी होती है? ऑब्लिक. कभी कभी यहाँ पे अपन ऑपरेट कर देते हैं, इसमें छेद कर देते हैं और यहाँ से पाइप डाल देते हैं. ट्रेकियोक्टोमी मेडिकल टर्म में याद रख सकते हैं तो अच्छा एडवाइस मिलता है. अब इस ट्रेकिया का देखिए, ट्रेकिया से रिलेटेड क्वेश्चन तो यहाँ तक आ सकते हैं. अब इसकी ब्रांचेस, ब्रांचेज ऑफ द ट्रेकिया, ब्रांचेज ऑफ द ट्रेकिया में देखें तो इसकी दो ब्रांच है, ये देखिए ये दो ब्रांच, इनको नाम दिया जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई. और इन प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर ये जो बॉल है इसमें, इस बॉल में भी कार्टिलेजनस रिंग है. ये कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट होती है, इसकी बॉल को पिचकने से रोकती है. तो इस ब्रांच राइट साइड की ब्रांच को, ये वाली ब्रांच इधर आ गया लंग्स, ये देखिए लंग्स आ जाए, इधर से लंग्स आ गए. तो लंग्स में अंदर कौन एंटर करती है? लंग्स की आउटलाइन, आउटर लाइनिंग ऑफ द लंग्स. लंग्स में एंटर कौन करता है? ब्रांच ऑफ द ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई. प्राइमरी ब्रोंकाई में राइट साइड को बोलते हैं राइट ब्रोंकस, एंड दिस वन इज द लेफ्ट ब्रोंकस. अब ये डायग्राम पहले अपन देख चुके थे, रेस्पिरेटरी ट्री. राइट ब्रोंकस मींस प्राइमरी ब्रोंकाई आगे लंग्स में एंटर करती है तो वो तीन राइट प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई में बदलती है. देखिए यदि अपन आगे जाके बात करें तो इसकी ब्रांच सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी की ब्रांच टर्शियरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लास्ट में अपटू एल्वियोल. तो डिफरेंस देखिए राइट ब्रोंकस में और लेफ्ट ब्रोंकस में क्या डिफरेंस हो सकता है. डिफरेंस ये है, देखिए इसके बारे में बात करें तो ये ब्रॉड है, ज्यादा चौड़ी है, ये देखिए ये नैरो है कंपेयर टू राइट ब्रोंकस, ये पतली है ये ज्यादा चौड़ी है. दूसरा ये ज्यादा छोटी है, शॉर्ट है ये लॉन्ग है, ये ज्यादा लंबी. इसकी पोजीशन देखें तो ये स्ट्रेट है और ये थोड़ा सा ऑब्लिक होती है. यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो एयर इस ल्यूमन से इधर आएगी राइट में और लेफ्ट में, तो आप लोग ही बोलिए ये वाली छोटी है, चौड़ी है और सीधी है, इसलिए मैक्सिमम एयर किधर जाएगी? इन द राइट लंग. राइट लंग में जाने से राइट लंग का साइज बड़ा होता है लेफ्ट से. राइट का वेट भी 625 है, लेफ्ट का 575 ग्राम है. समझ आ रहा? राइट लंग क्यों बड़ा होगा? क्योंकि राइट ब्रोंकस का साइज बड़ा है किसे? लेफ्ट ब्रोंकस से. दिस इज अबाउट ट्रेकिया एंड इट्स ब्रांचेस दोनों. अब ये वाला पॉइंट अपन देखें, ये ट्रेकिया यहां से ये आ रहा है, ये ट्रेकिया ट्रेकिया का यहां पे क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, एंड ऑफ ट्रेकिया, एंड ऑफ ट्रेकिया ये वाला लीजिए. तो ये कौन सी वर्टिब्रा का लेवल होगा? थोरेसिक 6. जहां से ये बाइफर्केट होगा ये थोरेसिक 5 है. थोरेसिक 5 वर्टिब्रा T5 स्टार्ट कहां से हुआ था? सर्वाइकल 6 से. इसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर.
6 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, इसके अंदर 16 टू 20 कार्टिलेजनस रिंग जो पोस्टीरियर साइड में एब्सेंट है, इसके पोस्टीरियर इसोफेगस है, अंदर की इसकी ल्यूमन में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पीएससीसीए स्यूडो स्टेट फैट कॉलोनस सिलेटी, इसके सिलिया अपवर्ड मूव करते हैं, म्यूकस को ऊपर की ओर धकेलते हैं फेरिंग्स में। इसके राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में राइट ब्रोंकस सप्लाई टू द राइट लंग, लेफ्ट ब्रोंकस सप्लाई टू द लेफ्ट लंग, और इस तरह से फाइनली इस ट्री के थ्रू कहां तक जाते हैं अपन, एल्वियोलाई। तो इसको अपन एल्वियोलाई को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके।